घर में घड़ी किस जगह पर लगानी चाहिए, आइए जानते हैं घड़ी की सही दिशा। नमस्कार दोस्तों, मैं राशि। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर की घड़ी किस दीवार पर लगानी चाहिए, यानी वास्तु शास्त्र में कौन सी दिशा है जहां पर घड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर की घड़ी हमारी किस्मत बदल देती है अगर सही दीवार और सही दिशा में लगाया जाए। तो आइए जानते हैं घड़ी की सही दिशा। कहते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार दीवार पर टंगी घड़ी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। घड़ी की दिशा का असर हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बंद घड़ी कभी भी नहीं पहननी चाहिए, ना ही अपने घर में रखनी चाहिए। दोस्तों, जीवन में समय का बहुत ही महत्व है। समय में जिंदगी की राह दिखाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है समय की सही दिशा। हम आम तौर पर दीवार घड़ी को अपने सुविधाजनक लगा देते हैं, जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घड़ी की सही दिशा। सबसे पहले जानते हैं किस दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। अगर घर के किसी दरवाजे के ऊपर घड़ी लगी है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि घड़ी के नीचे से गुजरना आपकी तरक्की में बाधा लाता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो भूलकर भी कभी भी किसी के यहाँ भी किसी दरवाजे पर टंगी घड़ी के नीचे से ना निकले। ऐसा नकारात्मक ऊर्जा का सबसे तेजी प्रभाव लेकर आता है। इसके अनुसार वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने से घर के सदस्य बीमार रहते हैं और उनका कोई भी काम नहीं बनता, इसलिए इस दिशा में घड़ी ना लगाएं। इसके अलावा घड़ी को पश्चिम दिशा में लगाना अच्छा नहीं माना जाता। पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, कोई भी खुशखबरी उस घर में नहीं आती। दोस्तों, इस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ। पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है उस घर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, ये थे घड़ी लगाने की सही दिशा। इसके अलावा कभी भी ऐसी घड़ियां घर पे ना लगाए। दीवार घड़ी हमेशा गोल होनी चाहिए। पेंडलुमा वाली घड़ी कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। दीवार घड़ी हमेशा चालू रहनी चाहिए। घड़ी को हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में ही रखना चाहिए। घड़ी का शीशा टूट जाए या घड़ी नहीं चलती, ऐसी घड़ी नहीं लेनी चाहिए, ना ही अपने घर में लगानी चाहिए। नीले, काले और केसरिया रंग की घड़ियां अशुभ होती हैं। ऐसी घड़ी को कभी भी ना ले। घड़ी का सही समय चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि घड़ी का सही समय आपका जीवन बदल सकता है।